मेकअप में सबसे पहले हमें क्या लगाना चाहिए? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में बहुत बार आता है, स्पेशली अगर हम बिगिनर हैं और हमें मेकअप की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हमें कई बार नहीं पता चलता है कि हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, मॉइस्चराइज़र कौन सा लगाएं, फाउंडेशन कौन सा यूज़ करें, क्या ये स्किन टाइप पे मेरे चलेगा, कंसीलर कब लगानी है, कहाँ कहाँ लगानी है, ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में बहुत बार आते हैं। और इसी टॉपिक को लेकर मैंने आज एक वीडियो बनाया है, तो अगर आप देखना चाहते हो देन कीप ऑन वॉचिंग। और गाइज, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं लगा। तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज, सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा मॉइस्चराइजर। तो फेस वॉश करने के बाद सबसे पहले हमें करना होता है अपने फेस को मॉइस्चराइज, क्योंकि हमें अपनी स्किन को प्रिपेयर करना है, रेडी करना है मेकअप के लिए। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए मॉइस्चराइजर। तो आज मैं मॉइस्चराइजर जो यूज कर रही हूँ, ये है बायोटीक का बायो विंटर चेरी बॉडी, और आप इसको फेस पे भी यूज कर सकते हो, बॉडी पे भी यूज कर सकते हो, आप बेसिकली आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो। और अगर आपका स्किन बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम ड्राई है और विंटर्स हैं, तो आप क्रीम बेस्ड यूज कर सकते हो। और अगर आपका फेस कॉम्बिनेशन में है तो आप, और अगर नॉर्मल स्किन है आपकी, तो आप इस तरह का कोई भी लोशन या मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसको यूज कर लूंगी अपने फेस के ऊपर। तो गाइस, सेकंड स्टेप है जो है वो है हमारा सनस्क्रीन। सनस्क्रीन को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ लोटस की सेफ सन, और इसमें है SPF 40, और ये टिंटेड सनस्क्रीन है। चाहे समर्स हैं चाहे विंटर्स हैं, आपको सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप चाहे बिल्कुल इतना सा टीनी टाइनी सा ले लीजिए और अपने फेस पर इसको जरूर लगाएं मॉइस्चराइजर लगाने के बाद। सेकेंड स्टेप आपका सनस्क्रीन ही होना चाहिए, क्योंकि आपकी विंटर्स में भी हम लोग कितनी बार धूप सेकने बैठ जाते हैं, और कई बार हमें घर से बाहर भी जाना होता है, स्पेशली जो लेडीज काम करती हैं या गर्ल्स बाहर काम करती हैं, उनके लिए सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी स्किन बची रहती है, नहीं तो ज़्यादा आपको पिगमेंटेशन होने के चांसेस रहते हैं और टैनिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो आप कोई भी सनस्क्रीन आप ले लीजिए आपकी चॉइस का, आप उसको अपनी मॉइस्चराइजर के बाद डेली विंटर्स में भी ज़रूर अप्लाई करें। तो जो थर्ड स्टेप है वो है हमारा सिरम। सिरम के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे। फर्स्ट में मेरे पास है गुड वाइब्स का ये रोज हिप, और सेकंड है NYB का एजलेस लिबर्टी सिरम। और इसमें गुड वाइब्स यहाँ purple.com पे देख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अपना कोई भी फेवरेट कोई भी यूज कर सकते हो सिरम। लेकिन फेस सिरम यूज करने से क्या होता है कि आपका जो फाउंडेशन है बहुत ही सीमलेसली लगता है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करती है, ये अंदर तक आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, और आपकी जो ओवरऑल लुक है बहुत अच्छे ग्लो आता है आपके फेस के ऊपर। ओवरऑल लुक आपकी बहुत ही अच्छी, आपका जो फाउंडेशन है और आपका जो फेस है बहुत ही ग्लो करता है और अच्छे से चमकता है, एक ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा सिरम यूज कर रहे हैं। तो आज मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है NYB का, और इसको मैं अपना थोड़ा सा आपने लेना है, ज़्यादा नहीं, 3-4 ड्रॉप्स आप ले लीजिए इस तरह से, और अपने फेस पर आप लगाइए। तो जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है प्राइमर। तो प्राइमर हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले आपको प्राइमर लगाना है। प्राइमर से क्या होता है कि जो आपके लार्ज पोर्स होते हैं वो फिल इन हो जाते हैं, और आपकी जो फाउंडेशन है बिल्कुल स्मूथ बन जाती है, कैनवस बन जाता है आपके फेस पे, ताकि आप कोई भी चीज़ जब आप अप्लाई करो वो अच्छे से अप्लाई हो सके और स्मूथली लगे। और प्राइमर का एक फायदा ये भी होता है कि आपका जो मेकअप है बहुत देर तक टिका रहता है। तो अगर आप एक अच्छा प्राइमर यूज करते हो, गुड क्वालिटी का प्राइमर आप यूज करते हो, तो स्पेशली स्किन के जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज करें, मेक श्योर कि आप एक अच्छे ब्रांड को यूज करें, अच्छे कॉस्मेटिक्स को ही यूज करें, क्योंकि आपकी स्किन का मामला है। अगर आप इस चीज में थोड़ा सा भी निग्लेक्ट करेंगे तो आपकी स्किन खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो मैं यूज कर रही हूँ कलर बार का, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ले लिया है। आपको बिल्कुल इतना सा लेना है, टीनी टाइनी सा, बहुत ज़्यादा प्राइमर भी नहीं लेना है आपको। और अपनी इस तरह फिंगर्स पे रब करके आप इसको डैप टैप मोशन में लगा सकते हैं, या आप इसको इस तरह से रब करके भी लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ आप चाहते हैं कि आप इसको लगाना, आप इसको वहाँ पे लगा सकते हैं।
और अब मैं देख सकती हूँ जो मेरी स्किन है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, एकदम से हाइड्रेट हो चुकी है। आप देख सकते हो कि पहले मेरी जो स्किन थी थोड़ी सी ड्राई साइड में लग रही थी क्योंकि मैंने सिर्फ फेस वॉश किया हुआ था और मैंने अपनी स्किन पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ था, लेकिन अब मेरी जो स्किन है बहुत अच्छे से प्लम्पी लग रही है और मॉइस्चराइज लग रही है। और अब मैं कोई भी मेकअप प्रोडक्ट लगाने के लिए मेरी स्किन जो है बिल्कुल तैयार है, रेडी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा फाउंडेशन, और फाउंडेशन के लिए मेरे पास तीन ऑप्शन है जो कि मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आप डेली कुछ मेकअप कर रहे हैं या आप कम मेकअप पसंद करते हैं तो आप कोई भी बीबी क्रीम यूज कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, आप कोई भी ब्रांड की बीबी क्रीम यूज कर सकते हैं डेली यूज के लिए। और अगर आप चाहते हैं लाइट कवरेज, लेकिन आप फाउंडेशन लगाना चाहते हैं लेकिन लाइट कवरेज चाहते हैं, ज़्यादा आप नहीं चाहते कि लगे कि बहुत ज़्यादा मेकअप लगा रखा है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये मेबेलिन की फिट मी फाउंडेशन। इसकी लाइट कवरेज आती है, आप इसको मीडियम से बिल्डेबल कवरेज भी आप इसको इससे आप ले सकते हैं। ये इस तरह की ट्यूब फॉर्म में भी आती है और एक बड़ी बॉटल फॉर्म में भी आती है, आप कोई भी इसमें से ट्राई कर सकते हो। तो आप अभी फ़िलहाल मेरे पास ये वाला है और ये थोड़ा सा लाइट, इसमें जो इसका जो फाउंडेशन है बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है इसका। आप देख सकते हो इस तरह से आता है, ये इस तरह से ये निकलता है और ये थोड़ा सा रनी है, आप देख सकते हो ये नीचे को जा रहा है। तो अगर इसकी जो फाउंडेशन है, जो इनकी यही पहचान होती है, जो भी आपकी थोड़ी रनी होती है वो आपको हमेशा लाइट कवरेज देगी। और मेरे पास जो एक और ऑप्शन है वो है ये मिलानी की कंसील प्लस परफेक्ट, ये एक पंप के साथ आती है और ये क्रीम बेस्ड है, काफ़ी थिक है। और जितनी भी थिक आपकी फाउंडेशंस होती हैं वो आप देख सकते हो, ये देखिए ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर पिगमेंटेशन रहेगी और बहुत ही आपका जो फेस है वो फुल कवरेज देगा ये वाला फाउंडेशन। तो अगर आप चाहते हो कि लाइट, आप बहुत लाइट कवरेज चाहते हो तो आप ये रनी बेस्ड यूज कर सकते हो, अगर आप चाहते हो फुल कवरेज, पार्टीज में जाना है, फंक्शन में जाना है, तो उसके लिए आप ये क्रीम बेस्ड यूज कर सकते हो। तो गाइज अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप जो वो है हमारा फाउंडेशन को अप्लाई करना है हमें। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ये वाली दोनों फाउंडेशन को मिक्स कर लूंगी और मैं इसको अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट की तरह लगाऊंगी। डॉट डॉट करके आपको अपने पूरे फेस को कवर कर लेना है ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो इवनली स्प्रेड हो। अगर आप इसको एक एक बारी में ही ले लेंगे तो आपका जो हो सकता है कोई कोई जगह आपकी फाउंडेशन से रह जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा अनइवन लगता है। ठीक है, तो अब मेरा डॉट डॉट मैंने लगा लिया है, तो अब इसको लगाने के भी दो तरीके हैं, दो नहीं एक्चुअली तीन तरीके हैं, मैं आपको तीनों बता देती हूँ। जो फर्स्ट वे है हमारा वो है एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश, वो इस तरह से आता है, बिल्कुल फ्लैट है ये, आप देख सकते हो। ठीक है, या तो आप इसको लगा सकते हो, मैं आपको इस साइड पे इसके साथ करके दिखा देती हूँ। और मेक श्योर कि आपने जो भी अपना प्रोडक्ट यूज़ करना है वो आपके जो फेशियल हेयर हैं उनके ओपोजिट नहीं जाना है, उन्हीं के साइड से आपको इसको ब्रशेस को चलाना है। चलो इस तरफ से स्टार्ट करते हुए जैसे आपको इसको डाउनवर्ड्स में ही हम इसको यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो कि जो ब्रश है वो मैं बिल्कुल डाउनवर्ड्स चला रही हूँ, इसको मैं ऊपर की तरफ नहीं चला रही हूँ क्योंकि जो हमारे फेशियल हेयर होते हैं वो भी हमारे नीचे की तरफ ही जाते हैं। तो इस फाउंडेशन से आपको फुल कवरेज, इस फाउंडेशन ब्रश से आपको फुल कवरेज मिलेगी और जो आपका प्रोडक्ट है वो अच्छे से स्प्रेड होगा। अब आप देख सकते हो मेरी जो स्किन है इस पर कोई भी मार्क कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और अगर आप चाहते हो और भी ज़्यादा इसको नेचुरल इफेक्ट देना चाहते हो तो इसी के ऊपर आप अपना ब्यूटी ब्लेंडर से भी आप इसको डैप टैप कर सकते हो बाद में, ताकि जो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लग रहा है अगर आपको फाउंडेशन, तो आप ब्यूटी ब्लेंडर, आपको ये डैम्प यूज़ करना है, ड्राई नहीं यूज़ करना है, आप इसको गीला करके बिल्कुल अच्छे से इसको स्क्वीज़ कर लीजिए तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है साइज़ में
और अपनी फाउंडेशन को ब्रश के साथ लगाने के बाद आप इसको इस तरह से चला दीजिए डैप डैप करते हुए, तो आपका जो फाउंडेशन है बिल्कुल स्मूथ लगेगा, नेचुरल लगेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने फेस पे कुछ लगाया है। तो ये तो था ये वाला वे जो मैंने अभी आपको बताया फ्लैट फाउंडेशन ब्रश के साथ। और जो सेकंड वे है वो है हमारे पास ये काबुकी ब्रश, ये कुछ इस तरह से ये फ्लफी ब्रश होता है और ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होता है, और इसके साथ आप इसको सर्कुलर मोशन में लगा सकते हो या डैप डैप मोशन में लगा सकते हो। मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि इसके टू वे होते हैं यूज़ करने के। अगर आप प्रोडक्ट को इस तरह से डैप डैप करते हो तो वो आपको पूरा आपको कवरेज देगा और फुल कवरेज देगा, और अगर आप चाहते हो कि कम कवरेज चाहते हो तो आप इसको सर्कुलर मोशन में भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे डैप डैप मोशन में ही यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो फेस है बिल्कुल फ्लॉलेस लगे और थोड़ा सा फुल कवरेज चाहती हूँ मैं। तो गाइज फाउंडेशन हमारा हो चुका है। फाउंडेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कंसीलर। कंसीलर के लिए भी मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है वाटर बेस्ड कंसीलर और दूसरा है क्रीम बेस्ड कंसीलर। ये कुछ इस तरह के पैलेट में आता है, मेरे पास निक्स का पैलेट है, आप और भी मार्केट में आप देख सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि इस तरह के पैलेट्स निकालते हैं जिसमें कंटूर हाइलाइटर और आपको कंसीलर मिल जाता है। ये जो कंसीलर होते हैं मोस्टली जब आपने कुछ अपना पूरा फेस को अच्छे से, आपके डार्क स्पॉट्स हैं, ज़्यादा रेड है स्किन या आपको डार्क सर्कल्स हैं, तो आप ये क्रीम बेस्ड यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके फेस पे ज़्यादा फ्लॉज नहीं है, डार्क सर्कल्स नहीं है, तो आप इस तरह का लाइट वाला यूज़ कर सकते हैं। ये भी फुल कवरेज होते हैं लेकिन वो आपको ज़्यादा अच्छे से आपको आपके जो फ्लॉज हैं वो अच्छे से कवर कर देते हैं। तो अभी फिलहाल मुझे ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है या ज़्यादा पिगमेंटेशन मार्क्स वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी फाउंडेशन जो है वो मिक्स करके यूज़ कर चुकी हूँ दोनों। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आपको कंसीलर कैसे यूज़ करना है, और कंसीलर आपने क्या करना है, अपने आईज़ के इस तरह से यूज़ करना है, डॉट डॉट करके ही लगाना है और आपको एक वी शेप देना है इस तरह से। और आप डॉट डॉट लगाने के बाद ये सेम आपको अपने आईज पे भी लगाना है। तो गाइस कंसीलर हम जो है दो तीन रीजंस की वजह से लगाते हैं। एक तो जो आपका कंसीलर लगाने से क्या होता है, आपकी आईज जो है बिल्कुल ऐसे खुल जाती हैं, आपका फेस जो है ज्यादा स्लीपी स्लीपी नहीं लगता है। नहीं तो कई बार क्या होता है जब आप पूरा फेस कर लेते हो लेकिन ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा टायर्ड, आपका फेस जो है बहुत ज्यादा टायर्ड लुक देता है। तो कंसीलर लगाने से क्या होता है, आपका एकदम जो फेस है वो ब्राइटन अप हो जाता है इस एरिया से स्पेशली, तो आप सोए हुए नहीं लगते हो। और इसको हम साथ के साथ ही ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंड करने के लिए मैं इसको क्या कर रही हूँ, कंसीलर ब्रश ले रही हूँ। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी इसको ब्लेंड कर सकते हो लेकिन मैं अभी कंसीलर ब्रश ले रही हूँ और इसी के साथ इसको मैं ब्लेंड करूँगी। ओके गाइस तो अब मैंने अपने आईज़ के ऊपर और आईज़ के नीचे कंसीलर लगाया है। आईज़ के ऊपर मैंने इसलिए लगाया है ताकि अगर मेरे कुछ डार्क सर्कल्स हैं वो छिप जाएं, और जो आपका आई शेडो होता है वो ज़्यादा पॉपअप करता है, ज़्यादा उसमें कलर अच्छे से निकल के आता है, इसलिए हम यहाँ पे कंसीलर लगाते हैं। और आईज़ के नीचे भी मैंने आपको बता दिया हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो आपकी आपका जो फेस है वो थोड़ा सा ब्राइटन अप हो जाए, और जौन से भी आप फेस के फीचर को आप ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हो उसी को आप कंसीलर करें। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने थोड़ा सा लगाती हूँ ताकि मेरा जो ये वाला एरिया है वो ज़्यादा हाईलाइट करे, और मेरा ये नोज़ का ब्रिज पे और मेरे चिन पे, और मैं यहाँ पे क्यूपिड बो पे भी लगाती हूँ थोड़ा सा ताकि मेरे जो ये पूरा एरिया है ये अच्छे से हाईलाइट करे। और यहाँ पर लगाती हूँ मैं
इस तरह से। और आपने गाइस बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, कोई भी प्रोडक्ट आप जो फेस पे अपने यूज़ कर रहे हो उसको बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है। जितना आप मिनिमल प्रोडक्ट लेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो मेकअप है वो ज़्यादा फ्लॉलेस लगता है। तो अब मैं इसको भी अपने फेस के ऊपर ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से कंसीलर ब्रश की हेल्प से। आप देख रहे हो कितने अच्छे से और जल्दी से ये ब्लेंड हो जाता है, स्पेशली ये वाटर बेस्ड जो होते हैं। कंसीलर आपका, अगर आप क्रीम बेस्ड यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका जो फेस है बहुत अच्छे से हाइड्रेट हुआ होना चाहिए। अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाइए, फेस सीरम लगाइए, फेस ऑयल लगाइए, जो भी आप लगाना पसंद करते हैं। तो ये हो गया अब हमारा हमारा कंसीलर, और कंसीलर को सेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर। तो मैं आपको दोनों ऑप्शन दिखा देती हूँ। मेरे पास फ़िलहाल जो अवेलेबल है वो है स्टे क्विकी का कॉम्पैक्ट, वो कुछ इस तरह से आता है ये वाला। आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, और लूज पाउडर भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास है मेबेलिन का फिट मी, और मेरा जो शेड है वो है लाइट। ये कुछ पाउडर फॉर्म में आता है, आप इसको इस तरह से ले सकते हो इसके ऊपर और आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसको भी यूज़ करने के लिए आप चाहे अपना कोई भी फ्लफी ब्रश यूज़ कर सकते हो, इस तरह का कोई भी बिग फ्लफी ब्रश, या अगर आप अपने अंडर आई को सेट करना चाहते हो तो आप उसको भी सेट कर सकते हो, और ब्यूटी ब्लेंडर को भी यूज़ कर सकते हो। वेट को यूज़ करेंगे तो आपका जो ये है पूरा आप बेक कर सकते हो इस पाउडर के साथ। तो अभी मैं बेकिंग करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना है। तो अभी मैं क्या करूँगी, एक फ्लफी ब्रश लूँगी और लूज़ पाउडर के साथ ही अपने कंसीलर को इस तरह राउंड राउंड मोशन में इसको सेट कर लूँगी। कंसीलर को सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे अगर आप विंटर में मेकअप कर रहे हो, चाहे आप समर में मेकअप कर रहे हो, किसी भी वेदर में कर रहे हो, कंसीलर आपका क्रीज करेगा ही करेगा। तो इसको आप ज़रूर कर लीजिए। आप बाकी फेस को चाहे छोड़ दीजिए अगर आप विंटर में कर रहे हैं, क्योंकि अब विंटर ही स्टार्ट होने वाला है, लेकिन ये वाला आपका जो पार्ट है उसको अच्छे से आप अपना सेट ज़रूर कर लीजिए। तो ये हो गया है हमारा अब पाउडर। अब आपने देख लिया है कि मैंने किस तरह से अपने फेस को सेट किया है। अब मेरा जो फेस है बिल्कुल ही क्लीन लग रहा है, हाइलाइटेड लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, फ्लॉलेस लग रहा है, कोई भी फ्लॉज मेरे स्किन पे अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है और अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है मेरी इस वीडियो से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोज़ मैं आपके लिए और लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।